हाँ तो भाई 2 से 3 दिन का ही टाइम बचा हुआ है WWE बैड ब्लड को होने में, और देखा जाए तो लगभग सभी मैचेस ऑफिशियल भी हो चुके हैं, जो कि टोटल 5 मैच हैं कार्ड्स पर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं सभी मैचेस की प्रिडिक्शन, और साथ में आपको बैड ब्लड की टाइमिंग भी पता चलेगी, जो कि काफी ज्यादा शॉक करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन हम पहले बात करते हैं डैमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर के मैच को लेकर, जो कि देखा जाए ना तो इसकी भीड़ कोई खास हुई तो नहीं है, लेकिन इस वीक रॉ पर जो इनका सेगमेंट हुआ है ना, और उसमें ब्रॉल होना, उसने ही भाई इस मैच की हाइप को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। और अब ये मैच देखना ना इंटरेस्टिंग भी हो गया कि आखिर इसको जीतेगा कौन, क्योंकि मैच में तो भाई जजमेंट डे का इंटरफेरेंस तो होना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और नंबर्स गेम से ये भारी भी रहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका कोई खास फायदा इनको होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर इस वक्त देखा जाए ना तो डैमियन प्रीस्ट के पास भाई काफी अच्छा मोमेंटम है। हाँ समरस्लैम में ये हारे जरूर थे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने मोमेंटम अपना बरकरार रखा है, और यही मोमेंटम इनका बैड ब्लड में भी जारी रहेगा, और इस मैच में दोस्तों डैमियन प्रीस्ट किसी न किसी तरीके से फिन बैलर को हरा देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ना कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी से मेरा मतलब है ना कि लास्ट मोमेंट पर भाई ये मैच पलट भी सकता है, इसमें कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इनकी आगे की राइवलरी अभी कंटिन्यू रहने वाली है, और इसमें कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी मेरी प्रेडिक्शन तो डैमियन प्रीस्ट को ही लेकर रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको नाया जैक्स वर्सेस बेली का भी मैच देखने को मिलने वाला है WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, और यहाँ पर तो भाई ये काफी इजी प्रेडिक्शन रहने वाली मेरी कि नाया जैक्स ना बेली को हराकर अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेंगी। हाँ ट्रिफनी जरूर इसमें कोई रोल प्ले करती हुई दिख सकती है, लेकिन टाइटल चेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज काफी कम है। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको एक और तगड़ा मैच देखने को मिल सकता है लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिपली के बीच में वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, और अब दोस्तों ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला कि आखिर इसको जीतेगा कौन, क्योंकि डोमिनिक मिस्ट्री तो भाई शार्क केज में लॉक रहेंगे, तो कहां ये मैच में लिव की हेल्प कर पाएंगे। और यहां पर दोस्तों WWE ना हम लोग को भाई थोड़ा सा सस्पेंस में जरूर रखी है कि मैच में भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो डोमिनिक मिस्ट्रीओ के ही वजह से ना लिव मॉर्गन भाई जीतते हुए आई है रिया रिपली से, लेकिन इस बार भाई मामला दूसरा है, और यहां पर दोस्तों आप कुछ की उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कि रखेल को लेकर रूमर्स हैं कि इनका रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन अब उनका रिटर्न होता है या नहीं वो तो बैड ब्लड में क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन दोस्तों इस मैच में ना ये सारी चीजें होने के बावजूद दोस्तों लिव मॉर्गन टाइटल रिटर्न करते हुए दिख सकती हैं, अब मेरी प्रेडिक्शन भी इनको ही लेकर है, क्योंकि भाई जजमेंट डे के बाकी मेंबर्स भी तो हैं, वो भी कुछ ना कुछ करके डोमिनिक मिस्टीरियो को उस केज में से रिलीज भी कर सकते हैं, या तो यही लोग भाई कुछ कर दें जिसके वजह से रिया रिपली को ये मैच हारना पड़ जाए। खैर दोस्तों वैसे आपकी इस पर क्या प्रेडिक्शन है हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको काफी ब्लडी मैच यानी ड्रू मैकइंटायर वर्सेस CM Punk के बीच में देखने को मिलने वाला है, और वो भी हेल इन अ सेल में, तो भाई वाई भी इस मैच की इतनी खतरनाक है, तो मैच तो तगड़ा होने ही है, और इसकी प्रेडिक्शन भी काफी इजी है कि CM Punk इस मैच में ड्रू मैकइंटायर को हरा देंगे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि भाई ये मैच ना शो ऑफ द मैच बनने वाला है, भाई ये दोनों ही लोग भाई किसी भी हद तक जा सकते हैं इसको जीतने के लिए, और ब्लड की तो बात तो बार बार ही हो रही थी, लेकिन अब वो फाइनली हमको ना देखने को भी मिल जाएगा। वैसे भाई एक्साइटेड तो मैं काफी ज्यादा हूँ इस मैच के लिए कि आखिर इस मैच में होने क्या क्या वाला है, क्या स्पॉट देखने को मिलेंगे, क्या OMG मोमेंट्स होगा, मतलब एक्सपेक्टेशन आप इस मैच से ना काफी ज्यादा हाई रख सकते हैं, और ये मैच पॉसिबली हमको डिलीवर करके भी देगा। तो भाई मेरी प्रेडिक्शन तो CM Punk के साथ रहने वाली है कि ड्रू मैकइंटायर को हरा कर अपनी इस राइवलरी को ना एंड करेंगे, और मैकइंटायर के लिए तो भाई अभी एनफ टाइम है, खुद का मोमेंटम दोबारा से ही हासिल कर लेंगे, लेकिन ये विन भाई CM Punk के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई अभी तो इनको आगे काफी दिग्गजों को जो फेस करना है, सेथ रॉलिंस तो भाई नेक्स्ट इन लाइन है ही है, तो भाई मेरी प्रेडिक्शन तो इनके ही साथ रहने वाली है। और अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने फाइनल मैच, जो कि रोमन रेंस और कोडी रोड वर्सेस दी ब्लड लाइन के बीच में ना टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों इस मैच को लेकर ना काफी मिक्स ओपिनियंस हैं लोगों के, कुछ का मानना है कि भाई इसमें ब्लड लाइन जीत जाएगी और रोमन रेंस को सोलो सिकुआ पिन करेंगे। तो भाई अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो इससे ये हो सकता है कि आगे के लिए रोमन वर्सेस सोलो का बिल्डअप हो, लेकिन दोस्तों फिर भी भाई ये मैच एटलांटा जॉर्जिया से हो रहा है, और ये सिटी भाई दोनों ही लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और ये दोनों लोग भाई फर्स्ट टाइम एक टैग टीम मैच का पार्ट भी है, बिगेस्ट सुपरस्टार भी है, तो ऐसे में भाई इनका हारना मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे इसमें डाउट है, और ऐसा कुछ होने वाला भाई मैच में चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन तो रोमन रेंस और कोडी रोड्स के साथ रहने वाली है कि ये क्लियर विनर है इस मैच के। हाँ मैच के बाद जरूर कुछ बवाल देखने को मिल सकता है, जैसे कि रीसेंट में ना द रॉक को लेकर रूमर्स हैं कि पॉसिबली इनका रिटर्न हो सकता है बैड ब्लड में। जी हाँ दोस्तों ये सिर्फ रूमर्स हैं, और कोडी रोड ने भी वैसे रीसेंट में पैट मैकफी के शो पर ना इसको लेकर थोड़ा सा हिंट भी दिया, लेकिन क्लियर इन्होंने भी कुछ बताया नहीं है। और वैसे भाई ये हम सबको ही पता है कि वो कौन हो सकता है, फाइनल बॉस द रॉक ही हो सकते हैं, और फिर वही से दोस्तों हमको सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम की बिल्डअप भी शुरू होते हुए दिख जाएगी। तो भाई एक्साइटमेंट तो हमेशा से ही रहती है ब्लड लाइन के मैच को लेकर, क्योंकि भाई इसमें कब क्या हो जाए ना कुछ कह ही नहीं सकते। खैर दोस्तों अब देखते हैं बैड ब्लड में ही क्या
क्या होता है, क्या क्या सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं और क्या द रॉक का रिटर्न होगा या मोस्ट अवेटेड जिमी उसो का, इसके लिए भाई हमको बैड ब्लड ही देखना पड़ेगा। खैर दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी टाइमिंग को लेकर, जो कि भाई काफी शॉकिंग है और इसके लिए तो भाई इंडिया में ना आपको अर्ली मॉर्निंग में 3:30 बजे से ही देखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों 3:30 बजे भाई सुबह में, भाई साहब इससे गंदा टाइमिंग को नहीं मिला था और इसका रीजन तो भाई UFC का शो है इसलिए थोड़ा सा जल्दी बैड ब्लड होगा वरना ये 4:30 बजे ही होता। खैर दोस्तों अब देखते हैं कैसे देखा जाए इसको। वैसे सोनी लिव पर आप देख सकते हैं या तो फ्री में आप JioTV पर Sony 1 या Sony 2 पर भी देख सकते हैं। तो भाई ये थी मेरी प्रिडिक्शन बैड ब्लड को लेकर। वैसे आपकी इस मैच को लेकर क्या क्या प्रिडिक्शन है हमको कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ऐसी WWE की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।